जसपुर जिले की बागबहार पुलिस ने एक मां को अपने बिछड़े हुए बेटे से मिलवाकर मानवता की मिसाल पेश की। दरअसल बागबहार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत चिकनी पानी निवासी राजेश तिर्की साल 2011 में अपने घर परिवार को छोड़कर गोवा चला गया था, जहां वह एक बेकरी में काम कर रहा था। काम करते हुए उसने अपनी पत्नी को भी वहीं बुला लिया था, लेकिन उसने गांव में अपनी मां और एक बेटी को बेसहारा छोड़ दिया था। कुछ सालों बाद राजेश की पत्नी की भी संदिग्ध परिस्थितियों में गोवा में ही मौत हो गई, जिसके बाद उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई और वह गोवा से भाग गया था। घर वालों का जब राजेश से किसी तरह का संपर्क नहीं हुआ तो उन्होंने बागबहार थाने में इसकी सूचना दी। बागबहार थाना प्रभारी वंश नारायण शर्मा के नेतृत्व में राजेश तिर्की की तलाश शुरू की गई, तो फिर नागपुर के एक मेंटल अस्पताल में उसके होने की जानकारी मिली, जहां से राजेश तिर्की को सकुशल बरामद कर उसके घर लाकर उसकी माँ और बेटी से मिलाया, जिसके बाद परिजन बागबहार पुलिस को धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी बागबहार थाना प्रभारी वंश नारायण शर्मा की पीठ थपथपा रहे हैं और इसे एक अनुकरणीय प्रयास बता रहे हैं। पत्थलगांव से मनोरंजन दास महंत की रिपोर्ट। मोर बेटा हर 15 साल के बाद ही ऐसा है, तेला मोर खुश रही। कितने साल बाद आए? 15 साल के बाद। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो खोजत खोजत कितना थक गया, कहाँ कहाँ गिर रहा खोजे लेकर? कहाँ गिर रहा खोजे? खोजे लज्जा में चांग पता लगाए, देखे हमारा अड़ोस पड़ोस है तो पता नहीं लगे, और बाद है बाघ भर जाए थाना में। हाँ। तो और सरपंच वरपंच गए रहा तो कहीं से सहयोग नहीं मिल पाई? इसकी मिली सहयोग दिन। हाँ। अभी कैसा लगा था लड़का हर आगे से? तो अभी दोबारा जाए दिया कि नहीं दिया? नहीं ध्यान का बोलता है अपन लड़का ला जिन जाते। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चिकनी पानी निवासी एक वृद्ध महिला थी, मुक्ति तिर्की नामक। उस महिला ने बागबहार पुलिस में स्टेशन में आकर के एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका बेटा जो है 2011 से गोवा में बेकरी में काम करने गया हुआ था, और बाद में उसने अपनी पत्नी को भी वहां बुलाया हुआ था। उसकी पत्नी की वहां संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद से उसका बेटा भी रहस्यमय ढंग से गायब था। इसी बीच में उस महिला के पास एक अनजाना कॉल आया था, जिसमें यह बताया गया था कि उसका बेटा जो है वो रायपुर के सेंट्रल जेल में कैद है। तब उस नंबर से हमने तहकीकात की गई थाना बागबहार के द्वारा, तो वो जो नंबर था वो दरअसल नागपुर का निकला, जहां नागपुर में पता तलाशी करने पर कल्दना मार्केट एरिया में उस व्यक्ति का जो गायब था, उस व्यक्ति का 26 जुलाई के आसपास कल्दना मार्केट क्षेत्र में लावारिस अवस्था में होना पाया गया, और वहाँ पर जो सामाजिक संस्थाएं हैं और पुलिस के द्वारा उसको मानसिक सुधार केंद्र में नागपुर में भर्ती किया गया था। तो इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस ने अच्छे से तफ्तीश किया और हर चीज़ को समझा, और वहाँ से लगातार संपर्क में रहे बागबहार पुलिस जो थी। उसके बाद जब जो व्यक्ति था राजेश तिर्की जो गायब हुआ था, उसको जब होश आया और उसमें मानसिक सुधार होने लगी, तब उसने बताया कि वो चिकनी पानी का निवासी है और सरपंच का जो नाम है वो राम प्रसाद बघेल है। तो इस तरह से वो आइडेंटिफाई हो पाया। उसके बाद जो व्यक्ति है राजेश तिर्की, उसके मामा के माध्यम से बागबहार पुलिस के द्वारा जो है उस व्यक्ति को रिकवर किया गया नागपुर के मेंटल हॉस्पिटल से, और व्यक्ति जो है आज अपने परिवार के साथ सकुशल अभी रह रहा है। निश्चित रूप से ये जो बागबहार की पूरी टीम जो है जिसको लीड कर रहे थे वंश नारायण शर्मा, उनका जो काम है एक मानवता की एक मिसाल है। उन्होंने एक 12 साल से बिछड़े हुए बेटे को अपनी माँ से मिलाया है और उसकी बेटी से भी मिलाया है, तो एक अच्छी मिसाल पेश की है, और हमें ये सब ये अनुकरणीय प्रयास है और पुलिस को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए।